सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बासु इंडियन फार्मिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं आज हम हैं सोयाबीन वेराइटी PS 1569 के खेत में, और इसकी बोने की गई थी 3 जुलाई 2023 को, और आज है 16 अगस्त 2023। तो आज ये लगभग 45 दिन के आसपास की फसल हो चुकी है, और ये PS 1569 वेराइटी है। PS 1569 वेराइटी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा तक 90 दिनों के आसपास ये कटने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये PS 1569 वेराइटी है, और इस वेराइटी में काफ़ी जल्दी फूल आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें फलियाँ बनने की शुरुआत हो चुकी है। ये इसमें फलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं, लगभग 70% फलियाँ बनने की शुरुआत हो चुकी है, और बाकी 30% के आसपास इसमें अभी फूल है। तो PS 1569 वेराइटी है, काफ़ी शॉर्ट टर्म ये वेराइटी है, उत्पादन भी ठीक ठाक देती है। लेकिन इस वेराइटी की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि ये बहुत ज़्यादा मार ज़मीन या काली मिट्टी में ये ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाती है, क्योंकि हाइट नहीं ले पाती। और चूँकि इस बार बरसात बहुत कम हुई है और लिमिटेड बारिश के कारण इसकी हाइट ठीक ठाक इस बार आई है, लगभग सामान्य व्यक्ति के घुटनों से ऊपर इसकी हाइट है, और बढ़िया इसमें भी फल है, और अच्छी मात्रा में इसमें फूल आया था, और बढ़िया अच्छी मात्रा में इसमें फलियां बन रही हैं। तो PS 1569 ये वेराइटी है, और काफ़ी ठीक ठाक इसका उत्पादन आता है। अगर बारिश कम होती है, हल्की मिट्टी किसी खेत में है, तो ये उसके लिए हल्की मिट्टी वाले खेतों के लिए बहुत अच्छी वेराइटी है। तो आप देख सकते हैं कुछ तरीके से इसमें फूल आने के बाद ये फलियां बनना शुरू हो चुकी हैं। छोटे छोटे करे आपको दिख रहे हैं, ये सब फलियों में परिवर्तित होंगे। तो इस तरीके से ये PS 1569 वेराइटी है, और अधिकतम 90 दिनों में ये पूरी तरीके से पक कर कट जाती है। PS 1569 की इस खेत में हम थे, जैसे कि देख सकते हैं आप, इस जगह अगर थोड़ी बहुत भी झील रही है और इसमें पानी भरा है तो इसकी हाइट कम है, और बाकी इस किसान ने इसमें इफको का नैनो यूरिया का स्प्रे किया था, इस कारण से इसकी हाइट काफ़ी बढ़ चुकी है। और नैनो यूरिया के इस्तेमाल से पहले इसकी हाइट काफ़ी कम थी, तो नैनो यूरिया ने काफ़ी इसकी हाइट बढ़ाने में मदद की है। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलियां आ रही हैं, गुच्छे बन रहे हैं। बस इस समय कमी इसमें ये भी है कि इस साल अभी पिछले 15 दिनों से पानी बहुत कम गिर रहा है, जिससे फसलों को पानी की आवश्यकता है और खेतों में नमी जाने लगी है। अगर अगले 2 से 3 दिन के अंदर अगर पानी गिर जाता है, अच्छी बरसात हो जाती है, तो सोयाबीन की अच्छी पैदावार इस बार देखने को मिलेगी। अन्यथा अगर 8-10 दिन या 15 दिन तक भी अगर पानी और आगे जाता है, तो सोयाबीन में इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि 15 दिन तो अभी हो चुके हैं, और अगर 10 से 15 दिन और पानी नहीं गिरता है तो सोयाबीन में नुकसान होना, फसल सूखना निश्चित है। तो अभी वर्तमान के हिसाब से फसलें बहुत बढ़िया हैं, और अच्छा फूल आया है, अच्छी फलियां बन रही हैं, और जो लॉन्ग वेराइटियाँ हैं उनमें बहुत भारी मात्रा में भी फूल है। और अब इस समय प्रत्येक फसल के पौधे को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे PS 1569 सोयाबीन वेराइटी के बारे में, जो कि शॉर्ट टर्म वेराइटियों में सबसे बढ़िया वेराइटी है। अगर हल्की मिट्टी है खेत में, हल्की ज़मीन है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये वेराइटी है। तो PS 1569 के खेत में थे, और इस समय ये 45 दिन की अवधि में ये फसल है। तो 45 दिन की अवधि में मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया फसल है, और बहुत अच्छा फूल और बहुत अच्छी फलियां इसमें बनने लगी हैं। तो आप लोगों को ये वैरायटी कैसी लगी, आपको इसकी हाइट, बढ़वार, पौधे के साइज़, फल फूल कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार। तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई जानकारी आपको लेना है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, राम राम।